Bollywood cocktail. वरुण धवन सारा खान को रोमांस करने वाले हैं। ये न्यूज हमने आपको परसों ही वरुण धवन के बर्थडे पे शेयर की थी। किस तरह फादर डेविड धवन ने ये बताया कि कूली नंबर वन की रीमेक में हमें वरुण धवन और सारा अली खान एक दूसरे के ऑपोजिट दिखेंगे। ये न्यूज डेफिनेटली वरुण के फैंस के लिए रही तो एक गुड न्यूज, बट इस गुड न्यूज के लिए वरुण धवन को पे करना पड़ा है एक प्राइस। वो प्राइस उनकी पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड है। यस, वेल टीओआई की माने तो वरुण धवन ने अपने एंगेजमेंट प्लान्स नताशा दलाल के साथ पोस्टपोन कर दिए हैं। यस, वरुण धवन जो फिल्मी करियर में अब एक अच्छे मुकाम पर जाते हुए दिख रहे हैं। स्टार किड होने के बावजूद वरुण मेहनत में कमी नहीं रखते। हाल में ही अपनी फिल्म कलंक में अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों को बेहद ही इम्प्रेस किया है, जहां जफर का कैरेक्टर लोगों को बेइंतहा पसंद आया। हालांकि फिल्म कुछ खासा बिजनेस नहीं कर पाई है, मगर अब भी वरुण अपने करियर पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। यही रीजन है कि वरुण अपने एंगेजमेंट प्लान को कर चुके हैं पोस्टपोन। टीओआई की माने तो वरुण और नताशा दलाल का एंगेजमेंट उनके बर्थडे के दिन यानी कि 24 अप्रैल को ही होने वाला था, मगर वरुण धवन लास्ट मिनट अपना मन बदल लिया और नताशा दलाल के साथ बर्थडे मनाने के लिए वो पहुंच गए थाईलैंड। वेल पोर्टल की माने तो वरुण धवन फिलहाल अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान ना देकर प्रोफेशनल करियर को जमाना चाहते हैं। वो कूली नंबर वन की शूटिंग में बिजी होंगे। वरुण धवन अपने करियर को एक पीक पर ले जाकर ही अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। वो मानते हैं कि नताशा के साथ एंगेजमेंट और वेडिंग में उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, इस वजह से वो अपने करियर को एक सर्टेन पॉइंट तक तो ले जाना ही चाहते हैं। वेल, वरुण का थॉट दूसरे एक्टर से दूर तो नहीं है, मगर हाँ, वरुण के इस डिसीजन से उनके फैंस को नताशा के साथ एंगेज्ड होते देखने के लिए थोड़ा और वेट तो करना होगा। वेल, वी होप वरुण जल्दी से अपनी शूटिंग खत्म करें और अनाउंस करें अपनी एंगेजमेंट की डेट। इस साल बॉलीवुड की कुछ एक एंटिसिपेटेड शादियों में वरुण धवन, नताशा दलाल और रणवीर आलिया की शादी तो है ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे करें लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड कॉकटेल फॉर ऑल लेटेस्ट न्यूज ऑफ बॉलीवुड।